मनुष्य जीवन में उन्नति करना चाहता है, सफलता पाना चाहता है। स्त्री हो या पुरुष, सबके मन में एक आस रहती है कि मेरा अच्छा मकान हो, मेरी अच्छी गाड़ी हो, मेरी अच्छी लाड़ी हो, मेरी अच्छी साड़ी हो और मेरी अच्छी खेती बाड़ी हो। ये मन में एक आस रहती है। तो आज मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ कि ये सब कैसे हो सकता है। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, जो लोग उन्नति करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं उनको छह काम नहीं करना चाहिए और उनको छह काम करना भी चाहिए। तो वे कौन कौन छह काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और वे कौन कौन छह कार्य हैं जिनको करना चाहिए। दोनों में संख्या छह की है। बड़ा मार्मिक प्रश्न है ये। एक साधु भी उन्नति करना चाहता कि हमारा अच्छा आश्रम बने, गृहस्थ भी उन्नति करना चाहता हमारा तीन मंजिल का भवन बने। कई लोग मंदिरों में जाते हैं तो भगवान से भी यही मांगते हैं कि हमारी अच्छी शादी हो, अच्छी नौकरी लगे, अच्छा मकान बन जाए, गांव में हम किसी से पीछे ना रहें। भगवान तो कब सुनेगा, तो बहरा है कि नहीं है, क्या मामला है? ऐसी प्रार्थना लोग करते हैं। तो आज इस प्रार्थना के तहत आपको हम संदेश देने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। खड्दोषा पुरुषेणे हतभ्याम भूत मिच्छिता अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये छह काम नहीं करना चाहिए। ये जो पहला श्लोक बोला हूँ इसमें छह ऐसी बातें बता रहे हैं हमारे विदुर जी धृतराष्ट्र को कि हे राजन, जो मनुष्य ये छह काम नहीं करता है उसकी उन्नति होती है, उसको सफलता मिलती है। आज सफलता का रहस्य आपके बीच में खोल रहा हूं। नंबर एक क्या है? अति निद्रा। अति निद्रा नहीं लेना चाहिए। जो लोग सफलता चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पूरे विश्व के अंदर एक वे लोग हैं जो तादाद से ज़्यादा सोते हैं और फिर भी इतने बेशर्म हैं, कभी शर्माते नहीं। 10 घंटे हो तो कम, 12 घंटे हो तो कम, उनसे कहो कि घंटे तो जोड़ लो, कितने घंटे सो चुके हो। बोले घंटा जाने दो भाड़ में, हम महीना दो महीना सो सकते हैं लगातार। कुंभकर्ण के बाप है। ऐसे लोग उन्नति नहीं कर सकते। सोने के घंटे बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले लोग, उनका विकास रुकता है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा घंटे नहीं है। प्रधानमंत्री को भी 24 घंटे मिलते हैं, मुख्यमंत्री को भी 24 घंटे मिलते हैं। अब ये घंटे चाहे सोने में गंवा दो, चाहे खेलने में गंवा दो, चाहे गप सप लप में बिता दो, चाहे लड़ाई झगड़ा में बिता दो, चाहे जेल में बिता दो, चाहे बीमार होकर हॉस्पिटल में बिता दो, चाहे ये घंटे एक दूसरे के द्वार पर बैठ करके बातें करने में बिता दो, चाहे ये घंटे आप आलस्य में बिता दो। अभी जयपुर से फोन मेरे पास आया था तो मैंने कहा कुशल मंगल तो है ना? बोले सारी कुशल मंगल सत्यानाश हो गई है। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले पोता की लाड़ी आई है तो उसको ही लेकर सब बैठे रहते, काम तो करते ही नहीं, सब बंद कर दिया काम।
तो हमने कहा वो लड़ी में क्या करते हैं? बोले बातें करते रहते हैं। उसका ससुर भी, उसकी सासू भी, और उसका पति भी और देवर भी, सब उसी में लगे रहते हैं, खीसे काटते रहते हैं। तो हमने कहा तुम बचे हो, तुम भी उसी में खीसे काटो, बस ठीक है और क्या। बोले मैं तो नहीं खीसे काटूंगा, चाहे बर्बाद सब हो जाए। तो मैंने कहा तुम घबराओ मत, तुम्हारी उम्र 70 साल हो गई है, तुम इनकी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे अपने मन से हटा दो। एक तरीका होता है, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बात को कोई सुनता ना हो, तुम्हारी बात को कोई मानता ना हो और तुम्हारा सम्मान खत्म हो गया हो, तो आपको सिलेंडर हो जाना चाहिए, बात बताना ही बंद कर देना चाहिए, चुपचाप रोटी खाकर मुस्कराना चाहिए और जब इच्छा हो तब गुरुजी का प्रवचन सुनना चाहिए, क्योंकि अब अपनी जिंदगी की पारी समाप्त हो चुकी है, अब दूसरों की पारी शुरू हुई है, अब उनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। कहां तक इस दुनिया में हैरान हो गए, और सबसे अधिक कीमती चीज अगर आपकी जिंदगी में कोई है तो वो समय है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, एक एक मिनट का बड़ा महत्व है। सोच समझकर तौल कर एक मिनट में बोले गए शब्द आपकी जिंदगी की धारा को ठीक कर देते हैं। एक मिनट का, मैं किसी समागम में गया था इलाहाबाद में, 10,000 श्रोताओं की भीड़ थी, प्रवचन में मेरा भी नंबर लगा था तो मुझे 4 मिनट मिले थे और सबसे लास्ट में मिला टाइम। तो मैंने कहा सबसे फर्स्ट में दे दो, मुझे 300 किलोमीटर जाना है, वहाँ प्रवचन देना है। बोले तुम्हारा प्रवचन होने के बाद सब चले जाएंगे, इसलिए लास्ट में दूंगा टाइम। बिठा के रखा मुझे 3 घंटे फालतू, और 4 मिनट दिया, और 4 मिनट में 1 मिनट माइक भी बंद हो गया। भाग्य की बात, कुछ बिगड़ गया होगा उसमें। तो माइक बंद हुआ तो मैं हंसा जोर से, मैं हंसा तो 10,000 लोग हंसे, और जब सब हंसे तो सब मेरे प्रेम में फंसे। तो वहां पर मेरे बहुत प्रोग्रामों की मांग हुई और केवल 3 मिनट सुनाया मैंने जोर से। 3 मिनट में ही उन्होंने कहा कि कोई संत, हाँ मालूम पड़ा कि है, आया यहां पर। याद रखना, 1 मिनट में तुम अपनी प्रतिभा को प्रकट कर सकते हो, 1 मिनट में तुम डिसीजन लेकर के अपनी जिंदगी की राहों को बदल सकते हो, 1 मिनट में ऐसी बात कह करके लोगों के दुख को दूर कर सकते हो, और 1 मिनट में बिना संभले बोलोगे तो अपने घर में ज्वालामुखी भी भड़का सकते हो। इसलिए संभल जाइए और 1-1 मिनट के मूल्य को समझिए। जिनके पास में 10 लाख रुपए है, लोग कहते हैं उनके पास बैंक में 10 लाख जमा है, लेकिन 10 लाख कमाया कहां से? उसमें साल भर समय लगा है, 2 साल समय लगा है, दिन रात खेती में मेहनत किया है, सर्विस किया है, बिजनेस किया है, या राजनीति किया है। राजनीति भी एक कमाई का साधन है। राजनीति को कितने लोगों ने बिजनेस मान रखा है, जमीन बेचकर चुनाव लड़ते हैं लोग, जुआ खेलते हैं कि एक बार जीत जाऊंगा सारा ब्याज सहित वापस निकाल दूंगा, और फिर आकर के मंच पर बोलते हैं कि हम आपके सेवक हैं, तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं, और फिर मन में सोचते हैं तुम वोट दो और हम तुमको चोट दें और तुमको धर के घोंट दें और दुनिया का सब नोट लें। बड़े कुशल होशियार होते हैं लोग। 100 में 20% नेता अच्छे होते हैं, उन्हीं के बल पर पार्टी चलती है और देश का कुछ कल्याण होता है,
और 80% जो है बड़े फोहड़ लोग इसमें भर्ती हो जाते हैं। लेकिन तुम चाहे जिस पार्टी को वोट दो, दोनों में एक ही मॉडल के लोग हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। 25% तो ऐसे हैं जो ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जा चुके हैं, उस पार्टी छोड़कर इस पार्टी में आ चुके हैं, खाली पार्टी का नाम बदला है, खाली लिफाफा बदला है, बाकी उसके अंदर माल वही है चाहे जो तुम स्वीकारो। तुम सोचते हो इस पार्टी को हरा देंगे, उसको जिता देंगे, उसमें भी वही बैठा है भेड़िया, बहुत दिनों का भूखा है। राजनेता को राष्ट्र का सेवक बनना चाहिए और ऐसे सेवक बनो, मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरे ईमानदार हो जाओ, 10% आप ले लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन 90% देश की सेवा में लगा दीजिए। 90% ले लिया और 10% लगा दिया तो गड़बड़ हो गई। भैंस का दूध खा लीजिए, लेकिन पूरी भैंस को खा लोगे तो सींगे फट जाएगी आप तुम्हारी की। तो जो वास्तव में देश की सेवा करने के लिए राजनीति करते हैं, उनको व्यासगाती भी धन्यवाद दे रही है कि उनकी और उन्नति हो, उनको बड़े बड़े पद मिले ताकि हमारे देश का विकास हो सके। क्योंकि देश का विकास होगा उससे फायदा सभी का होगा। अच्छी सड़क बनेगी तो सब चलेंगे उस पर, बिजली आएगी तो सबके घर में बल्ब चलेंगे, उसमें कोई भेद नहीं होता है। नर्मदा का पानी आएगा तो सब पियेंगे, टोटी खोलेंगे। अब गांव में ऐसा तो ही नहीं, पानी आया तो 10 लोगों घर में नहीं देंगे, देने पड़ेगा चाहे जिस पार्टी का हो। तो देश का जो सार्वजनिक विकास होता है उसमें फायदा सभी का होता है। तो समय खर्च करके उस व्यक्ति ने पैसा कमाया है 10 लाख। अब 1 साल के समय को खर्च करके 10 लाख कमाया और बैंक में जमा किया। अब उस आदमी से ये कहा जाए कि ये 10 लाख खर्च करके 1 साल का समय वापस लौटा दीजिए। वो 1 साल का समय खर्च करके 10 लाख कमाया है और 10 लाख खर्च करके 1 साल का टाइम वापस नहीं लौटा सकता है, तो आप सोचिए टाइम ज्यादा कीमती है कि पैसा ज्यादा कीमती है? समय ज्यादा कीमती है, पैसा कम कीमती है। अगर आपके पास में समय है तो पैसा और कमा सकते हो, लेकिन अगर समय आपने खो दिया है तो आपको कुछ भी अब मिलने वाला नहीं है। इसलिए समय की बचत कीजिए। तुम्हारा बेटा सब्जी खरीदने जाता है बाजार में, 2 दिन पहले तुम बाजार में गए थे, 10 रुपये किलो आलू लाए थे, और बेटा गया 2 दिन के बाद 8 रुपये किलो लाए, तो तुमने बेटे की पीठ थपथपाया कि बेटा तूने 2 रुपये किलो पर बचत किया। पैसे की बचत सबको दिखती है, लेकिन समय की बचत, स्नान करने में भी समय बचाइए। मान लिया तुम 1 घंटे में नहाते हो, आधा घंटा में नहा लीजिए, आधा घंटा बचाइए। फूल तोड़ने में भी समय 5 मिनट बचाइए। फूल की माला गूंथने में 2 मिनट समय बचाइए। आटा मारने में 3 मिनट समय बचाइए। रोटी बेलने में भी आप 5 मिनट का समय बचाइए। भोजन परोसने में भी थोड़ा समय बचाइए। और मान लिया आधा घंटे में खाते हो तो 20 मिनट में खाओ, 10 मिनट उसमें बचाइए। और सोते हो 8 घंटा तो 1 घंटा कम सोइए, 1 घंटा उसमें बचाइए। और बातें करने में 3-3 घंटे बातें करते हो, आधा घंटे बात करके ख़त्म कर दो, 2.5 घंटे वो बचाइए। डेली अगर 2-4 घंटे का समय बचा लो और उस समय में कोई विशेष कार्य करना शुरू कर दो, तो याद रखना पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में तुमको विशेष स्थान प्राप्त होगा। मैं जब गुरुजी के पास में आया तो शुरुआत में तो सबको बराबर सेवाएं मिलती थी। तो मंजन ब्रश जब करता था मैं दातून नीम की, तो एक कागज पर मैं 5 दोहे लिख कर रख लेता था,
नज़र वहाँ रहती थी और दातून इधर घिसते थे। दातून करते समय पांच दोहे याद करते थे। गाड़ी में बैठकर लखीमपुर जाते थे तो 19 भजन रास्ते में याद करते थे। अब बाकी लोगों को देखता था वो तान सो रहे, आँख खोलते ही नहीं थे। कुछ लोग दतून भी 10-10 मिनट घिस रहे हैं। अरे ये दतून 10 मिनट नहीं घिस रहे हो, जिंदगी घिस जाएगी। जिन्होंने समय बर्बाद किया वे जहां के तहां खड़े रह गए, जीरो पर रह गए, और जिन्होंने समय बचाया और समय अच्छे कार्य में लगाया वे जीरो से हीरो बन गए। इसलिए अपने समय को बचा करके अच्छे कार्यों में लगाइए तो आपकी उन्नति होगी। लड़कियां भी समय बचाएं। ये लड़कियों का समय बाल सुधारने में बहुत खर्च होता है। सब लड़कियां खुश हो रही, गुरुदेव ने मेरे ऊपर भी निशाना साध दिया। मैं लड़कियों की जब बाल देखता हूं तो थोड़ा मुस्कराता भी हूं कि है तो बुद्धिमान। बालों को आप 100 लड़की खड़ी कर दो और 100 लड़की के बाल 100 प्रकार से आपको मुड़े हुए, झुके हुए, गुलगब्बा बने हुए बड़ी नौटंकी है। अभी बुद्धिमान ना होती तो 100 मॉडल के बाल कैसे हो जाते। और जितना इन्होंने बालों पर दिमाग लगाया है उतना और दिमाग किसी पर नहीं लगाया। बस ये छोटी सी खोपड़ी के बाल, ये भी नहीं सोचा है कि मेरी खोपड़ी किधर जा रही है। अरे बाल ठीक रहे, खोपड़ी भांड में जाए। अभी जो लड़कियां बालों पर ज्यादा टाइम खर्च करती है, फिर बालों के बाद गालों पर, बाल सुधारो, गाल सुधारो, शाम हो गई, रात में फिर रजाई में सोए, बिस्तर में सोए, बाल बिगड़ गए, गाल बिगड़ गए, फिर सवेरे सुधारो, जिंदगी भरे बाल गाल में फंसे रहोगे तो जिंदगी में और कब क्या करोगे। पढ़ लिख करके कलेक्टर बनना है तुमको, पढ़ करके SDM बनना है तुमको, इंजीनियर बनना है। बाल ज्यों त्यों सुधार लीजिए, बांध दीजिए और पढ़ने में टाइम को खर्च कर दीजिए तो एक दिन तहसीलदार बनकर तुम आओगी और तब तुमको लोग नमस्कार करेंगे, तब बाल सुधार लो। लड़कियों ने ज्यादा ताली बजाइए, कल से ये बालों का लफड़ा खत्म कर देंगे। अब तो नौजवान जो विद्यार्थी स्टूडेंट वे भी अभी इसी साल से ये फैशन आया है बालों में कटिंग का, चारों तरफ बाल पूरा काट देते हैं, बाईपास रोड निकालते हैं और बीच में चौराहे पर बाल उड़ रहे रुई जैसे मैं तो देखता हूँ उसे, बहुत बेवकूफ आदमी है, इसको शर्म नहीं लगती है। और फिर उसमें और काट के गहरा गड्ढा बना के डिजाइन बनाते हैं, ये क्या कर रहे हो नाटक, तुम कहाँ इस खोपड़ी में उलझे हुए हो। अपने मन को संभालिए, अपनी ऊर्जा को सही प्रयोग कीजिए, अपनी जिंदगी को इतना संवारिए। अभी हमारे बहुत सिर के हमारे बालों को आपने देखा भी नहीं होगा, ढके रहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, न तो बालों में कटिंग है, न शेटिंग है, न डेंटिंग है, न पेंटिंग है, न एक्टिंग है, लेकिन इस व्यक्ति के दर्शन करने के लिए कम से कम 10 करोड़ लोग विश्व के अंदर इच्छा करते हैं कि एक बार उनको देख लूं, दर्शन कर लूं। और सबको दर्शन भी मिलने वाले नहीं है। और 20 करोड़ लोग इस व्यक्ति की वाणी सुनते हैं जिसने न बाल संवारा है, न एक्टिंग किया, न हिप्पी कट, न गप्पी कट, न लप्पी कट, केवल सादा सिंपल जीवन है। जिंदगी को संवार लीजिए, मन को विचार से शुद्ध कर लीजिए तो आपके दर्शन के लिए लाइन लगी रहेगी और आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो ये समय बचाइए। कितनी महिलाएं बर्तन मांजती हैं तो कटोरी पकड़कर पूछती हैं, मांजू कि न मांजू, धीरे धीरे मांजती है उसको। एक कटोरी कौन तुम्हारी छोटी बहन है इसको धीरे मांज रही, झट से रगड़ो निकालो, टाइम पास मत करो, फटाफट काम करना चाहिए। चाय लेकर के अगर जा रहे हो तो धीरे जाइए, हर काम में फटाफट भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर बर्तन मांजने तो फटाफट मांजिए, झाड़ू फटाफट लगाइए, बिस्तर फटाफट बिछाइए, थोड़ा दौड़ कर काम करना सीखो। मैं तो दूसरों के कारण धीरे चलता हूं, नहीं तुम्हें तो दौड़ने की इच्छा होती है।
कूद करके गाड़ी में बैठ लेता हूँ अभी भी, और हमेशा आदमी को समय बचाना चाहिए और समय बचा करके अच्छे कार्य में खर्च कीजिए। कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, कुछ ऐसा करो जैसा किसी ने किया हो, वैसा करके दिखाओ। इस दुनिया के अंदर याद रखना, विशेष कार्य करने वालों का ही सम्मान होता है, विशेष ऊंचाइयों को छूने वालों का ही आदर होता है और विशेष श्रेणी में पहुंचने वालों का ही नाम होता है। बाकी सामान्य जनरल मर्चेंट में सारा काम खत्म हो जाता है। आपके अंदर विशेषण होना चाहिए। कितने लोगों को देखता हूं मैं, पैदल चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, चींटी भी उनसे आगे निकल जाए ऐसी चाल चलते हैं। उनसे पूछो इतना धीरे क्यों चलते हैं, अरे बोले मौज मस्ती है। मौज मस्ती नहीं है, ये मूर्खता है तुम्हारी। ये मौज मस्ती किसके बल पर कर रहे हो तुम? यदि इस दुनिया के अंदर तुम पिछड़ते चले जा रहे हो, याद रखना आपसे प्रेम तो सभी करेंगे लेकिन सब अपने अपने माया में उलझे हुए हैं। इसलिए आप अपने सिस्टम को अगर संभाल नहीं पाओगे तो आपको कोई साथ देने वाला नहीं है। आप इस योग्य बनिए कि दूसरों को सहारा देने योग्य बनिए, दूसरों को देने योग्य बनिए। किसी के सामने लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी सामर्थ्य भरी हुई है, तुम्हारी आत्मा इतनी महान है, केवल आपको उद्घाटन करने की जरूरत है। तुम जो सोच लो वो तुमको प्राप्त होने वाला है। याद रखना, दुनिया में किसी को कुछ देखिए तो वहां से सीखिए और सीख करके अपनी जिंदगी में प्रयोग कीजिए तो आप स्वयं उससे अधिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। रुक्मणी ने एक बार कृष्ण भगवान से जिद किया कि तुम रोज रोज कहां जाते हो, मैं भी साथ में चलूंगी, देखूंगी तुम कहां जाते हो। स्त्रियों को बड़ी चिंता हो जाती यदि उनका रोज रोज पति कहीं जाता हो तो वे सोचती ये कहां जाता है, संदेह होता है। इसलिए बहुत नेताओं की पत्नियां साथ में ही जाती हैं। मैं देखता हूं शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ज्यादातर साथ में साधना करती, बहुत कम छोड़ती शिवराज सिंह को। और राष्ट्रपति की पत्नी रामनाथ कोविंद जी की पत्नी, वो भी साथ में ही भोपाल आई थी। तो मैं सोचा यहां पत्नी का क्या काम है, तो उसकी पत्नी बोलती तुमको क्या पता, यहां इतनी पत्नी है, यह पति का पता चलेगा कहीं, अपने पति को संभाल कर वापस ले जाऊंगी। तो ये अपने अपने माल को संभालना भी चाहिए। अपने बेटे को संभालिए, अपने बाप को संभालिए, अपनी पत्नी को संभालिए, अपने पति को संभालिए, अपने भाई को संभालिए, अपनी बहन को संभालिए। याद रखना, पैसा संभाल लोगे 10-20 हजार कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अपनी फैमिली के सदस्यों को नहीं संभाल पाओगे तो ये सबसे बड़ा घाटे का सौदा होगा। इसलिए अपने मेंबरों को भी संभाल कर रखना चाहिए। एक घंटे का समय अपने घर के सदस्यों पर भी ध्यान दीजिए, कौन कहाँ सोता है, कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या खाता है, कौन कहाँ घूमता है, कौन क्या बात करता है, कौन छत पे क्यों बात करता है, अलग क्यों बात करता है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। नहीं, ये बात करते करते उड़ जाएगा, तुम ढूंढे नहीं पाओगे इसको, बहुत खतरनाक स्थिति है। ये दुनिया संभालने वालों के लिए स्वर्ग है, जो संभाल ना पाए उनके लिए नरक है। आप नौकर को भी संभालिए अपने, नहीं नौकर आपका नाम डुबा सकता है, नौकर आपकी पत्नी को लेकर जा सकता है, नौकर आपकी बेटी को लेकर जा सकता है। नौकर पर ध्यान दीजिए, नौकर को नौकर जैसा रखिए, नौकर को अंदर बहुत जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई नौकरानी है, ध्यान दीजिए कहीं नौकरानी घर की रानी ना बन जाए, तुम्हारे लिए परेशानी ना बन जाए। कितनी नौकरानी घर में बर्तन धोने का काम करने गई थी और बर्तन धोते धोते ऐसा पूरा घर धो दिया कि उस घर के पति को अपना पति बना लिया और जो पत्नी थी वो निकल कर बाहर आ गई। अब उस पत्नी की गलती है, वो देखती नहीं है मेरा पति किधर जा रहा है, नौकरानी की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रहा है। और इस दुनिया के अंदर दो आकर्षण बहुत खतरनाक होते हैं, इन दो आकर्षणों से जो बच गया उसको दुनिया में कोई ब्रेक से रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। पहला आकर्षण है रुपया का आकर्षण,
ये रुपया लोभ बहुत पैदा करता है। अगर इसके लोभ से बच गए आप तो समझ लो पाप के बाप से बच गए। और दूसरा आकर्षण है सुंदर रूप का आकर्षण। ये सुंदर रूप का आकर्षण भी आदमी के जिंदगी के रूप को बिगाड़ देता है। चाहे राजस्थान में भौरी कांड हुआ हो, ये रूप का आकर्षण है। चाहे यूपी में मधुमिता कांड हुआ, ये रूप का आकर्षण है। और एमपी में कोई कांड हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये रूप के आकर्षण के कांड में कितने मिनिस्टरों की मिनिस्ट्री चली गई, डॉक्टरों की डॉक्टरी चली गई, कितने साधुओं की साधुवाई चली गई, और कितने साधु डॉक्टर मिनिस्टर जेल में चले गए। ये रूप आकर्षण से जो अपने को बचा लेता है, याद रखना वो जिंदगी में सबसे महान व्यक्ति होता है। थोड़ा जोरदार ताली बजा करो, आज ताकत बहुत लगा रहा है।